हिट एंड रन मामले में नए कानून के खिलाफ लामबंद ट्रक चालकों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर किया प्रदर्शन। वहीं मौके पर पहुंची दुर्ग पुलिस ने सभी को समझाइश देकर कराया सड़क से किनारे। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद अब हिट एंड रन के मामले में सख्त नियम लागू किए जाने से नाराज ट्रक चालकों ने इसका विरोध जताया है, जिसके तहत दुर्ग में नेशनल हाईवे पर आक्रोशित ट्रक चालकों और परिचालकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें दुर्ग के बाफना टोल प्लाजा के पास सभी प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क को जाम कर गुजरने वाली ट्रकों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें मौके पर पहुंची दुर्ग पुलिस के CSP मणिशंकर चंद्रा सहित दुर्ग थाना के प्रभारियों द्वारा मौके पर पहुंच प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाइश देकर मुख्य मार्ग से जाम को हटाया गया। इस दौरान ट्रक चालकों ने मीडिया के बीच अपनी पीड़ा व्यक्त की। शाह जी ने यह नियम निकाला हुआ है हिट एंड रन वाला, ये बहुत ही बेबुनियाद है और मेरे ख्याल से ये नियम को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी ड्राइवर भाई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है और वो वहाँ से जब भागता है तो वो अपनी जान बचाने से ज़्यादा अपनी मालिक की गाड़ी और गाड़ी में जो माल रखा रहता है उसकी सुरक्षा को लेते ही वो गाड़ी को थाने में लेके जाता है, ना कि वो भागता है। इस हिसाब से वो अपनी भी रक्षा करता है और गाड़ियों की भी रक्षा करता है। लेकिन ये जो कानून बनाया गया है, ये कानून से तो हम सब ड्राइवरों का मरना है और हम लोग इस कारण हम लोग इस ड्राइवरी नहीं करना चाहते और हम शांतिपूर्वक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन जो दबाव डाल रहा है बहुत गलत डाल रहा है सर, कि हमारे पेट के लिए हम ये सब चीज़ कर रहे हैं। मालिक से कोई उस दिक्कत नहीं है कि मालिक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ड्राइवर आदमी हैं तो हमारे पेट के लिए हम सब कर सकते हैं। एक ड्राइवर नहीं है, यहाँ कई लाखों ड्राइवर है, यहीं बस हड़ताल नहीं हो रहा है, हड़ताल सब जगह है, सारी देश में सारे प्रदेश में है, तो हमारे पेट के लिए हम ये सब चीज़ क्यों नहीं करेंगे। हमको भले कि अभी वो नहीं मिला है हमको, है ना, हम अपना पेट के लिए सब हड़ताल कर सकते हैं और प्रेम राव से भी बात कर सकते हैं। सही है सर, ये कानून क्यों सही नहीं रहेगा? कोई भी 10 लाख रुपए जुर्माना नहीं भर सकता है, कोई भी 10 साल का जेल नहीं काट सकता है। अगर हम जेल चले गए तो हमारा परिवार को कौन पालेगा? उससे अच्छा हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, उससे अच्छा हम बैठ जाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, है ना, हम रोजी रोटी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। दुर्ग ट्रक मालिक संघ और चालक भाइयों की तरफ से मेरा ये कहना है सर, जो कानून लाया गया है वो सरासर गलत है, उस कानून में पुनः विचार किया जाए और ड्राइवर भाई रात दिन गाड़ी चलाते हैं ये भी देखा जाए, उनका ना तो रहने का ठिकाना है ना तो सोने का ठिकाना है, कई जगह तो सुविधाएं नहीं मिलती, रात में पुलिस वाले डंडा मार के भगा देते हैं, रोड के किनारे अगर गाड़ी खड़ा करे तो पुलिस वाले डंडा मार के भगा देते हैं, रोड में खड़ा करो तो चोरी का डर सभी चीज़ की समस्याओं से जूझ कर ट्रक भाई ड्राइवर अपना गाड़ी और माल दोनों सही सलामत पहुँचाता है, उसके बाद भी ये कानून लाया गया है जो सरासर गलत और एकदम वो है। आपको ऐसा नहीं, ये बात ऐसा नहीं है, चालक और मालक दोनों के लिए, क्योंकि ना कभी ड्राइवर के नहीं आने पर मालक भी गाड़ी चलाते हैं, जैसा मैं चालक और मालक दोनों हूँ तो कभी ड्राइवर के नहीं आने पर मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो जो भी ड्राइवर के सीट में बैठा हुआ है ये कानून उसी के लिए बना हुआ है, चाहे वो ऑटो से हो, बस से हो या ट्रक से हो, उसमें कोई वो दो मत की बात नहीं है। तो हम लोग मोदी जी और अमित शाह से ही कहना चाहते हैं कि इस कानून में पुनः विचार किया जाए और पहला जैसा कानून था उसी हिसाब से चलने दिया जाए। ये मेरा चाहते हैं ड्राइवर की सुरक्षा निधि, जो अभी जैसे धारा जो शासन प्रशासन लागू कर रही है ड्राइवर के विरुद्ध में, वो धारा को वापस लिया जाए। किसी भी ड्राइवर के प्रति ऐसा शोषण नहीं होना चाहिए कि ड्राइवर कितना पैसा कमाता है, ड्राइवर जो है रोजी पेमेंट का पा रहा है, 7 लाख 8 लाख इकट्ठा कर पाएगा क्या भरपाई करने के लिए, ना वो परिवार चला पाता है, यहाँ 8 लाख रुपये कहाँ से देगा। क्या कानून है ये धारा जो लगा रहे हैं अभी हिट एंड रन वाला, इस कानून के हिसाब से ड्राइवर अगर हिट करके आगे निकल जाता है उसके खिलाफ कार्यवाही है, वो धारा लागू हो जाएगी। अगर धारा लागू होती है उस बीच में ड्राइवर कहाँ से, जो अगर बोलते हैं कि लेके जाओ उसको, जो मरा हुआ आदमी है या घायल है उसको लेके जाओ हॉस्पिटल तक, उसके लिए पब्लिक क्या नियंत्रण रखेगी? पब्लिक से हमको नियंत्रण चाहिए, सरकार आके वहाँ क्या करेगा? पब्लिक को रोकेगा जब ड्राइवर को मारा जाएगा तो? आके अमित शाह रोकेंगे क्या? हम ये चाहते हैं कि वो धारा जब लागू कर रहे हैं तो सुरक्षा इतना प्रदान करे कि अगर एक्सीडेंट हो रहा है रोड में तो उसको जो है
ड्राइवर को हाथ नहीं लगना चाहिए। ड्राइवर अगर हाथ लगा, किसी का सिर फटा, कान फटा, तो फिर उसके बाद जो है सेवा वही प्राप्त होगी जो जैसा मिलेगा, जैसा करेगा भरेगा। हम अभी समझाने के लिए ड्राइवरों के लिए आए हुए हैं, हम समझाने आए हैं। समझाने इसलिए आए हैं कि ड्राइवर भाई अभी समझदार होगा, गाड़ी खड़ा कर देगा कहीं पर भी, सुरक्षित जो है हमारे आंदोलन में साथ दे। ये आंदोलन ड्राइवर भाई के लिए है, और जो चलाता पाया जाएगा रोड में जो चलाता पाया जाएगा उसको हम रोक के समझाएंगे। समझ नहीं आ रहा है तो आज तक को हम लोग ज्ञापन सौंपते आए थे कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने के बाद में हम 2 दिन का टाइम लिए थे। अब हमारा 2 दिन का टाइम पूरा हो गया, उसके बाद धरना प्रदर्शन होगा, हम रुकवाएंगे, हमारा भी तो हक है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वहीं दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार मार्ग मदा ना किए जाने को लेकर ट्रक चालकों को लगातार समझाइश भी देती रही। वहीं भीड़ में कुछ पुलिस के साथ धक्का मुक्की की शिकायत भी नजर आई। इस दौरान नाराज ट्रक चालकों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में दुर्ग CSP मणिशंकर चंद्रा ने अपनी जानकारी दी। इनके संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर सड़क में धरना कर दिया जा रहा था। ट्रक ड्राइवरों को, अन्य जो ड्राइवर जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उनको रुकवाया जा रहा था। उनको शांतिपूर्ण ढंग से समझाया गया है कि आप अपना प्रदर्शन रोड के किनारे होकर शांतिपूर्ण तरीके से करिए, रोड में इस प्रकार से चक्का जाम या रोड जो धान उत्पन्न करने का नहीं करेंगे। हम लोग इनको समझाइश दिए हैं कि आप रोड के किनारे रहिए और अपनी जो मांगे हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से शासन के समक्ष रखें। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।